गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, रेस्पेक्टेड लिसनर्स। आज वर्ल्ड कम्युनिटी को मैं एड्रेस करूँगा और एक दावे के रूप में, यदि उसे को फेक प्रूव करे तो अपनी प्राइज ले, अदरवाइज प्राइज वहाँ ढेर इस चैनल की तरफ लगाएं। मैं आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूंगा, फेक फॉर्मेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये विश्व शांति के लिए कभी भी आधार नहीं बन सकती। जो इसकी वर्तमान एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेशन है, परमानेंट मेंबरशिप असमानता यहीं से पैदा हो गई। भारत, ब्राजील, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी वैश्विक शक्तियों को, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया खुद को आगे आकर, वैसे तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी की जिम्मेदारी, परंतु 506 शक्तियों में, इसलिए आर्थिक और जन्य रूप से बहुत ही सक्षम और बड़ी शक्तियां हैं। शेप द फॉर्मेशन, प्योर फर्जी बकवास। रूस यूक्रेन में तो होगा ही नहीं, और यदि यही फॉर्मेशन रहेगा भेदभावपूर्ण, पांच शक्तियों को स्थाई, और वो भी एक कविटो करने पर किसी राष्ट्र के खिलाफ साझा सेना यूएनओ आर्मी द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना, इससे गिरा हुआ ढंग कोई नहीं हो सकता। जैसे जनरल असेंबली है, उसी तरह सभी देशों को, मैं ये भी कहूँगा, पंचायती भाषा में मीडिएशन के ऊपर काम करते, शांति पर काम करते करते बंद नहीं रहे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हम चैलेंज कर रहे हैं आज से, ये शांति की दूत नहीं, क्रांति की दूत है। ये पांच शक्तियों गुंडाई का मौका दे रही है। पूरे विश्व बिरादरी को इसमें हिस्सेदारी मिले, जनरल असेंबली की तरफ बहुमत से निर्णय लिए जाएं, चाहे उसमें न्याय तो न्याय की बात की जाएगी, जस्टिस थोट तो जस्टिस थोट रहेगी, हमारे राष्ट्र को पता नहीं उससे नुकसान और फायदा में समय पड़ने पर बहुमत का फैसला सबको मानना होता है और न्याय के आगे सबको झुकना होता है। इस सत्य से, इस कड़वे सत्य से पुतिन, बाइडन, जिनपिंग कोई भी हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थाई दस और ये नाटकबाजी बंद किया जाए। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को जो वैश्विक दादागिरी है, गुंडागर्दी, इसके खात्मे के लिए आपको एक होना पड़ेगा। आपके मानव अधिकारों के लिए दुनिया चिंता करती रहती है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज भी आपको 13वीं शताब्दी झोंका जा रहा है। यहाँ के शासक भी अपना ढंग बदलें, उनके इशारों पर न नाचें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बता दिया, जनरल असेंबली सभी को सदस्य दे दीजिए, और किसी भी राष्ट्र जो विश्व शांति के लिए खतरा है, उस पर साझा सैन्य कार्रवाई का फैसला बहुमत से लिया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा और विश्व में भविष्य में कहीं युद्ध नहीं होगा। बाद में हम ग्लोबल आर्मी की बात बाद में करेंगे, पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मैंने आज से बता दिया है, समस्या यहीं से खत्म हो जाएगी। सभी राष्ट्रों को और बिल्कुल दीजिए, और कोई भी राष्ट्र की तरफ से किसी राष्ट्रीय नेता का प्रवक्ता, किसी सरकार का प्रवक्ता और राष्ट्राध्यक्ष में सबको स्लैपिंग, मैं कहता हूँ नीचता बंद करें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को कहता हूँ कि आइए अब सामने, क्या विश्व में शांति स्थापित, जनरल असेंबली तथा सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप सबकी बनती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में खड़ा हो लीजिए आप, जहाँ आपका मन करे, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद इक्वल एट पार, सबको बराबरी का अधिकार देते हुए, इक्वल राइट,
फॉर वोट, इक्वल वेट फॉर वोट, और ये डेमोक्रेटिक सेटअप बोलता है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबको मेंबरशिप मिले, वो पैरवी करे, उसकी करे स्थायी, कोई स्थायी नहीं, सभी स्थायी हैं, और शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आज ही कर कर देख लो, अगले दिन रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, रोज़ ये जो चिंता जता रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिस्ट कि तेल का खतरा, इकोनॉमी का खतरा, गरीबों को खतरा, ये सारा खतरा बंद हो जाएगा। चर्चा नहीं, इस चर्चा के साथ आइए। धन्यवाद।